अरे डॉक्टर्स ने वोट लिया है, वी हैव टेकन द ओथ, जो इतने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने ओथ लिया है। कोई डॉक्टर किसी की जान ले, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगी कि डॉक्टर से नेग्लिजेंस होगी, डॉक्टर्स जान लेते हैं, इंजेक्शन दे के मारते हैं, ये सब बहुत बहुत गंदी अफवाह है। कोविड ने बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है, किसी को नहीं छोड़ा है, ना कोविड ने जेंडर देखा है, ना एज देखा है। हमारे कोविड सेंटर में 2 महीने की बच्ची है, जब लॉकडाउन था कम पेशेंट्स थे, सब लोग घर में थे। जैसे ही लॉकडाउन खुला, मानो जैसे ईद होगी, लोग बाहर आ गए। ये कोताही, ये गलती हमारे से हुई है। एंड अगर देखा गया तो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेथ्स ज्यादा थी, एंड एक ही कम्युनिटी में भी डेथ ज्यादा थी। एंड घर में खुद इलाज करा लेना, सिलेंडर्स लेके आना, इनको नहीं पता होता है कि कैसे मॉनिटर करना चाहिए, हाउ मच ऑक्सीजन शुड गो, इसके सारे क्राइटेरियाज होते हैं कि कितना ऑक्सीजन कितने वक्त में के लिए दिया जाएगा, ये सब बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती है। एंड दे जस्ट डिसैचुरेट, एंड ये खुद तकलीफ लेके उसके बाद पैनिक क्रिएट कर लेते हैं। मास्क नहीं पहनते हैं, बिल्कुल मास्क नहीं पहनते हैं। मैंने बहुत रेस्पॉन्सिबल लोगों को देखा है, मास्क पहनते हैं, जब मीडिया बाइट देनी होती है, किसी से बात करनी होती है, मास्क नीचे उतार देते हैं। लोगों को ये जहन में नहीं जा रहा है कि इट इज जस्ट नॉट कॉफ या स्नीज, छींकने खांगने से नहीं, इवन बात करने से ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं और इन्फेक्शन फैलने की सबसे ज्यादा चांस होती है। मास्क को मैंडेटरी कर लें और सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करें। आई वुड रादर ऐड द वर्ड फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये भी एक कंसेप्ट है। सोशल डिस्टेंसिंग है, हम 10 लोगों में नहीं जा रहे, हम 15 लोगों में नहीं जा रहे, अरे आप 2 लोग खड़े होकर नजदीक बात कर रहे हैं, तब भी बहुत बड़ा रिस्क होता है। इतना स्टिग्मा है, लोगों को डर है कि अगर हमारा टेस्ट आ गया, गवर्नमेंट से आएंगे, घर सील डाउन कर देंगे, लोगों को पता चल जाएगा। आई मीन देयर इज मैसिव स्टिग्मा, सब अपनी अपनी लाइफ रिस्क करके ही तो आए हैं। इस चीज को वैल्यू करके, हमारे पे भरोसा करके लोगों को लाइक यू नो आगे बढ़ के आना चाहिए। मेरा एक मैसेज है एज अ डॉक्टर, हम हैं आपकी हिफाजत के लिए, हम हैं आपकी खिदमत के लिए, आप हमारी हिफाजत कर सकते हैं, अपने घरों में महफूज रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। आज हम मैसूर के बारे में बात करने वाले हैं और हमारे साथ डॉक्टर सारा जुड़ने वाली हैं और हम बात करेंगे कोविड 19 के टाइम में अभी क्या हाल है मैसूर के, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वहां पे एक कोविड सेंटर खुला है, उसके बारे में बात होगी। डॉक्टर सारा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन मीडिया बुक से जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, द प्लेजर इज एंटायरली माइन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ये बताइए कि अभी हमने सुनने में आया है कि आप लोग एक कोविड सेंटर से जुड़ी हैं और वहां पे आप लोग बहुत काम कर रहे हैं, तो ये बताएं कि ये क्यों खोला गया और इसके खुलने के पीछे कौन लोग हैं? ये बेसिकली ऐसे हुआ कि फर्स्ट फेज देखा, जब लॉकडाउन हुआ था तो मैसूर में बहुत कम लोग थे, वी एब्सोल्युटली हैड नो डेथ्स, एंड 2-3 महीने 2 महीने के गैप में वी जस्ट हैड सम अराउंड 94 पेशेंट्स ऐसे कुछ थे हमारे, एंड सारे रिकवर होके गए थे, मॉर्बिडिटीज भी ऐसे कुछ ज्यादा नहीं थी पेशेंट्स में। तो मैसूर बहुत लाइक 3-4 दिन के लिए मैसूर टोटली कोविड फ्री हो गया था, लेकिन हमारे पास पेशेंट्स ही नहीं थे। बट अचानक से जैसे ही लॉकडाउन खुला तो दे वॉज अ मैसिव मैसिव लाइक क्या कहते हैं, फियर साइकोसिस जैसे हो गया था, सब जगह खौफ हो गया था, पेशेंट्स को सिम्टम्स हो रहे थे। एंड जब लाइक देखा गया, जैसे हॉस्पिटल में एडमिशंस होते गए तो डेथ ज्यादा होने लगी। एंड अगर देखा गया तो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेथ्स ज्यादा थी, एंड एक ही कम्युनिटी में भी डेथ ज्यादा थी। तो इस चीज को लेके लोगों में एक काइंड ऑफ खौफ हो गया, एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स भी सारे परेशान हो गए। डीसी जो अभिराम शंकर हैं, थ्रू आउट 24/7 इज वर्किंग, वो बड़े परेशान हो गए कि ये क्यों हो रहा है। तो फिर हमारे जो ऑफिसर्स हैं राउंड द क्लॉक जो काम कर रहे हैं, जो हमारे कोविड सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के RMO हैं डॉक्टर नयाज पाशा वो, एंड डॉक्टर शिराज जो हमारे फैमिली वेलफेयर ऑफिसर हैं वो, All of them sat with DC और इन्होंने एक ग्राफ बनाया कि आखिर क्यों हो रहा है। इसके ऊपर उन्होंने बहुत गौर किया, स्टैटिस्टिक्स डाली, लेआउट बनाया कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको कैसे रोक सके। बिकॉज हमारा सबसे बड़ी हमारी परेशानी थी डेथ्स, जिस तरीके से डेथ्स हो रही थी, लोगों में पैनिक हो रहा था। तो जब पता चला कि एक पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है, वहीं पे हैं, तो वहीं पे पर्टिकुलरली दे स्टार्टेड लॉकडाउन करवाने का, थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करवाने का मूवमेंट स्टार्ट हुआ। एंड उसके बाद उन्होंने लाइक बहुत डिस्कशंस एंड बहुत सारी मीटिंग्स हुई। तो फिर सारे जैसे कॉर्पोरेटर्स हैं, जैसे एक्स मेयर हैं, एंड बहुत सारे लाइक पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन लोगों ने बहुत मेहनत की। ऑल ऑफ देम सैट, ये सारे बैठे, तकरीबन 1 हफ्ते का वक्फा इन लोगों ने सिर्फ ग्राफ्स एंड एनालिसिस में डाला कि कैसे कर सकते हैं।
फिर इनके पास आइडिया आया कि आइसोलेशन सेंटर्स बना देते हैं, बिकॉज जिस तरीके जिस एरिया से लोगों के ज्यादा डेथ्स की रिपोर्ट्स आ रही थी उनके घर बहुत छोटे हैं, अवेयरनेस नहीं है, वो आइसोलेट नहीं हो सकते. एक पॉजिटिव है तो उनकी वजह से 5-6 लोग पॉजिटिव या सारे लाइक अराउंड द नेबरहुड में पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत थे. तो इसीलिए ये आइसोलेशन सेंटर का आइडिया आया. ये बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, नोडल ऑफिसर, इन सारों ने लाइक डीसी के साथ ये करके डिसाइडेड आएगा. बट इसमें इन्वॉल्वमेंट जितना ऑफिसर्स का था उतना ही सारे जिम्मेदारान का था जो आगे बढ़ के आए. उलेमा भी हमारे लाइक सारे मस्जिदों के जो भी हेड्स हैं वो पॉलिटिशियंस एंड सोशल एक्टिविस्ट ये सारे मिलके वॉलंटियर्स ये सब सारे मिलके आए. एंड ये सेंटर्स 3 सेंटर्स एक्चुअली आ रहे हैं. एक अभी फंक्शनिंग है जो फरुखिया कोविड सेंटर है उदयगिरी में, दूसरा है एंडलिस स्कूल जो अभी तैयार हो रहा है, तीसरा है बीडी कॉलोनी में एक हॉस्पिटल है वहां पे भी वो सेंटर आने की लाइक अभी तैयारी चल रही है. बेसिकली एक आइडिया था कि लोग डर रहे थे एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के एक दो वीडियोस जो वायरल हुए उनको लेके और ज्यादा साइकोसिस हो गया, फियर साइकोसिस हो गया, परेशान हो रहे थे, हॉस्पिटल्स नहीं जा रहे थे, घर में इलाज कर रहे थे. तो इसलिए अगर उन्हीं के एरिया में कोई आइसोलेशन सेंटर है तो उनको एक तसल्ली होगी कि वो अपने घर के पास है, इसीलिए ये आइसोलेशन सेंटर्स उसी पर्टिकुलर एरिया में आए हैं. अच्छा, तो ये फारुकिया जो आइसोलेशन सेंटर बना है इसमें अभी कितने लोगों को आप लोग रख सकते हैं? They have provided around 132 beds की facility है. And जैसे जैसे एक और चीज बहुत आगे बढ़ के आई, that I forgot to mention, rapid testing start की मैसूर में. They started, वो जो धारावी में जो concept था कि आप जाएंगे घर घर जाएंगे देखेंगे चेक करेंगे या उनके एरियाज में चेक करके उनके एरियाज में अगर सेंटर्स बना देंगे तो वॉलंटरली आके अपना टेस्ट करवा लेंगे रैपिड टेस्टिंग. तो ये स्टार्ट हुआ. ये रैपिड टेस्टिंग में जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं एंड जिनको सिम्टम्स हैं उनको आइसोलेशन सेंटर में रखा जा रहा है. फिलहाल कल तक जब मैं ड्यूटी करके आई थी तो 60 पेशेंट्स थे. आज फिर से रैपिड टेस्टिंग हो रही है तो और पेशेंट्स आएंगे. अनदर 1 or 2 डेज आई थिंक द सेंटर विल बी फुल. बाय दैट टाइम दूसरा सेंटर तैयार हो रहा है तो वहां तक लाइक दूसरी टेस्टिंग जब लाइक ये सेंटर फिल हो जाएगा तो उस सेंटर पे चले जाएंगे. तो ये बताइए जो लोग आ रहे हैं वहां पे और जिनकी तबीयत खराब है इसमें कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो कि पैनिक की वजह से उनकी तबीयत खराब है? सर मैं तो कहूंगी बहुत सारे लोग हैं, मैक्सिमम लोग पैनिक की वजह से हैं. बट जब आते हैं आइसोलेशन सेंटर्स वहां के जितने भी वॉलंटियर्स हैं जितने भी वर्कर्स हैं वो उनको काउंसिल करते हैं, उनको बताते हैं कि क्या है. बिकॉज ये क्या हो गया कोविड का, इट्स बेसिकली लोगों में इतना खौफ फैल गया है ना, तो दैट वो जो साइकोसिस है वो हम लोगों की लाइक हटाने की कोशिश कर रहे हैं. हाँ सब डरे हुए तो हैं, बहुत थोड़े लोग हैं जो कॉन्फिडेंटली आते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे आराम रहेगा, घर में इतना शायद सहूलत नहीं होगी, शायद वो स्प्रेडर्स बन जाएंगे बिकॉज उनके घर बहुत छोटे होते हैं. एंड इन सेंटर्स में एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स जिनके पास सहूलत नहीं है कि घर में आइसोलेट हो या माइल्डली सिम्टोमेटिक पेशेंट्स ही आ रहे हैं. हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हैं, कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन भी रखे हैं, तो अगर थोड़ा सा हल्का सा इनका ऑक्सीजन लाइक ड्रॉप हो रहा है, सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है तो हम देते हैं. बट द मोमेंट वी कम टू नो कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये चीज बराबर नहीं है, आई मीन दे नीड हॉस्पिटल केयर, हम इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल. अच्छा, कुछ ऐसे भी केस सामने यहाँ पे बैंगलोर में सुनने में आए हैं कि जैसे कि आजकल बहुत ऑक्सीजन के सिलेंडर लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो लोग क्या कर रहे हैं घर पे इलाज शुरू कर दे रहे हैं, जिससे ये हो रही है कि तबीयत बहुत लेवल तक खराब हो जा रही है, लास्ट मोमेंट तक मतलब अपने आप को और बीमार करने के बाद हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं तो बचाना मुश्किल हो रहा है, ऐसे कुछ सूरत वहां पे आप लोगों के सामने आई? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम, जो कंडीशन बैंगलोर में है वही कंडीशन मैसूर में है. एंड यही काम हुआ कि लोगों में ये हो गया कि चले हॉस्पिटल्स के एक दो वीडियोस जो वायरल हुए वो देख के डर गए लोग के हॉस्पिटल में. ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि जब सैचुरेशन ड्रॉप हो जाता है घर में बैठ के 50% ऑक्सीजन सैचुरेशन रख के अगर जाएंगे हॉस्पिटल्स तो डॉक्टर्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाती है बिकॉज बेड्स अवेलेबल होंगे, रूटीन रेगुलर बेड्स जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को ट्रीट करने के वो तो मिल जाएंगे. बट जब सैचुरेशन ज्यादा ड्रॉप होता है तो हमारे वी नीड आईसीयू बेड्स, वी नीड वेंटिलेटर्स, वी नीड हमारे कंटिन्यूस ऑक्सीजन जो सप्लाई करते हैं वैसे मशीनरीज की जरूरत पड़ती है. तो ये ज्यादा डिसैचुरेट होके जाएंगे तो बहुत तकलीफ हो जाती है. तो यही हो रहा था. एंड घर में खुद इलाज करा लेना, सिलेंडर्स लेके आना, इनको नहीं पता होता है कि कैसे मॉनिटर करना चाहिए, हाउ मच ऑक्सीजन शुड गो, इसके सारे क्राइटेरियाज होते हैं कि कितना ऑक्सीजन
कितने वक्फे के लिए दिया जाएगा, ये सब बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती है एंड दे जस्ट डीसैचुरेट एंड ये खुद तकलीफ लेके उसके बाद पैनिक क्रिएट कर लेते हैं। जी, इसमें एक चीज और आ रही है कि लोगों का ये कहना है कि जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं, ठीक है ना, वहां पे उनके चार्जेस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा मसला है। अब मेरे सामने 2-3 केस ऐसे आए हैं, रिकवर होके बाहर तो आ गए, लेकिन उनके बिल 8 लाख, किसी के 10 लाख, किसी के 5 लाख। एक नॉर्मल आदमी कैसे अफोर्ड करे? नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉर्मल आदमी बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता है। एंड ये, लेकिन हम हॉस्पिटल्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज द काइंड ऑफ कोरोना कोविड 19 जब ज्यादा लाइक डिसैचुरेट हो जाता है इंसान, तो उस वक्त पे रियली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज लंग पैरेन्काइमा बहुत डैमेज होके होता है। तो बाय द टाइम दे कम बैक टू द सैचुरेशन, उनका ठीक हो जाए, 95 एंड अबव हो जाए, कभी 5 दिन लग सकते हैं, कभी 10 दिन लग सकते हैं, कभी 15 दिन। एंड आपको तो पता है आईसीयू चार्जेस कैसे हैं, तो इसमें ये बिल ज्यादा हो जाती है। इसीलिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि हम एहतियात बरते, मैक्सिमम एहतियात बरते। देखिए सर, मैं सिंपल सी बात करती हूँ, जब लॉकडाउन था कम पेशेंट्स थे, सब लोग घर में थे, जैसे ही लॉकडाउन खुला, मानो जैसे ईद होगी, लोग बाहर आ गए। ये कोताही, ये गलती हमारे से हुई है, हमें एहसास रखना चाहिए था कि इतना भी लाइक यू नो कोविड अभी वी वर जस्ट कमिंग अप, सबको पता था, हर जगह बोल रहे हैं कि अनलॉक तो कर दिया है लेकिन आपको एहतियात बरतना है, तो एहतियात तो बरतना था ना। मास्क नहीं पहनते हैं, बिल्कुल मास्क नहीं पहनते हैं, मैंने बहुत रेस्पॉन्सिबल लोगों को देखा है, मास्क पहनते हैं, जब मीडिया बाइट देनी होती है, किसी से बात करनी होती है, मास्क नीचे उतार देते हैं। लोगों को ये जहन में नहीं जा रहा है कि इट इज जस्ट नॉट कॉफ या स्नीज, छींकने खांगने से नहीं, इवन बात करने से ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं और इन्फेक्शन फैलने की सबसे ज्यादा चांस होती है। तो जब घर से निकलते हैं तब अगर मास्क पहना, तो वापस घर जाके ही मास्क निकालना है। एंड मैं देखती हूँ कि रूटीन लोग जो नॉर्मल है, जो अफोर्ड कर सक रहे हैं या कहीं से मिल रहा है, वो N95 मास्क पहनते हैं। N95 मास्क उन लोगों के लिए है जो कोविड पेशेंट्स के साथ रापता रख रहे हैं, जो जा रहे हैं उनको इलाज कर रहे हैं। रूटीन एक सिंपल सा कपड़े का मास्क, जब आप ब्लो करें तो उससे कैंडल लाइक वो टेस्ट खुद कर सकते हैं कि कैंडल शुड नॉट ब्लोन अवे। तो ये अगर कर लें, रूटीन कपड़े के सर्जिकल मास्क जो भी मिलते हैं सर्जिकल्स में, लाइक 30 रुपीज 20 रुपीज में मिलते हैं, अगर ये मास्क पहन लिए कपड़े के मास्क, और घर जाके वापस उसको धो लिया, 1 से 3 रख लिया अपनी सहूलत के लिए, और जैसे निकले फ्रेश मास्क पहन के निकले, तो ये सब मास्क इज लाइक जैसे आप वो खुद अपने लिए कपड़े, हम जब कपड़े खरीदते हैं तो बेहतरीन कपड़े खरीदते हैं, बेहतरीन खाना खाते हैं हमारे लिए जो हमारी पसंद है, तो वैसे ही हमें भी कॉन्सेंट्रेट करके अच्छे से अच्छा मास्क लेके सिंपल सा कपड़े का वो अगर पहन के मास्क हाइजीन मेंटेन कर लें, मास्क को मैंडेटरी कर लें, और सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करें। आई वुड रादर एड द वर्ड फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये भी एक कंसेप्ट है, सोशल डिस्टेंसिंग है। हम 10 लोगों में नहीं जा रहे, हम 15 लोगों में नहीं जा रहे, अरे आप 2 लोग खड़े होकर नजदीक बात कर रहे हैं तब भी बहुत बड़ा रिस्क होता है। फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए ना, एटलीस्ट कम से कम 2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े होके बात कीजिए। तो ये बेसिक जो एटिक्विट्स हैं, ये अगर फॉलो कर लें, ये अगर बना ले रूल के चले साल डेढ़ साल, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता, जब तक ये वेव फ्लैटन नहीं हो जाती, हमें इसको न्यू नॉर्म है, ये इसके साथ ही रहना है, ये दिमाग में आ जाएगा तो ये 80% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो आप बेसिकली ये राय दे रही हैं कि देखिए, आदमी अपने आप को बचा के रख के उसी में भलाई है, उसके लिए उसमें जो नॉर्मल रूल्स हैं कि मास्क पहन कर रहिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ये करना बहुत ही जरूरी है। और ये जो आपने जो कहा वो सही है, हम लोग भी बैंगलोर में देखते हैं, लोग अभी भी बड़े इत्मीनान से चाय की दुकान पे 1 फीट की दूरी पे खड़े होकर बात करते हैं और चाय पीते रहते हैं। तो शायद लोग, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कोविड मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए होगा। कोविड ने बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, किसी को नहीं छोड़ा है ना, कोविड ने जेंडर देखा है ना एज देखा है। हमारे कोविड सेंटर में 2 महीने की बच्ची है, 2 महीने की, 5 साल का भी बच्चा है, 10 साल के बच्चे, एब्सोल्युटली एसिम्प्टोमेटिक है वो बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह एब्सोल्युटली एसिम्प्टोमेटिक है, बट वो बच्चे मास्क पहन के होते हैं। मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं अंदर जाती हूँ तो बच्चे मास्क। एंड एक और चीज है सर, ट्रस्ट होना चाहिए, डॉक्टर्स हैं, अभी जो वॉलंटियर्स हमारे कोविड सेंटर में काम कर रहे हैं उनको ट्रेन किया गया है कि कैसे कोविड पेशेंट्स को देखा, एंड दे आर डूइंग इट सो वेल। अरे डॉक्टर्स ने वोट लिया है, वी हैव टेकन द ओथ, जो इतने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने ओथ लिया है। कोई डॉक्टर किसी की जान ले, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगी कि डॉक्टर से नेग्लिजेंस होगी, डॉक्टर्स जान लेते हैं, इंजेक्शन दे के मारते हैं, ये सब बहुत बहुत गंदी अफवाह है। मैसूर में एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे ये बताया गया था
कि डॉक्टर लोग मरीजों को हॉस्पिटल में मार देते हैं, उससे बहुत सारे लोग डर कर हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे, क्या बोलेंगे आप? दिस इज लाइक शेयर नेग्लिजेंस. एक तो उस पेशेंट का लाइक जो वीडियो वायरल हुआ था, उनका सैचुरेशन बहुत डाउन था. ऐसे पेशेंट्स का लाइक इलाज होना बहुत मुश्किल है. वेंटिलेटर बेड्स भी लाइक अगर कोई और पेशेंट है तो हम उसको निकाल के तो दूसरों को नहीं दे सकते. वेंटिलेटर्स की तो कमी सब जगह है, पूरे हिंदुस्तान में है. तो ऐसे हुआ कि वो पेशेंट बहुत डिसैचुरेटेड थी एंड आपको तो पता है कि लाइक लोग ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं. तो उसमें वो वीडियो बना दिया, वायरल कर दिया एंड लोगों में ये हाँ खौफ बिल्कुल पैदा हुआ था. लेकिन उसके बाद भी डीसी आए थे, उन्होंने बात की थी. फिर जो डॉक्टर्स हैं, जो नोडल ऑफिसर्स हैं, दे ऑल केम अप, वो आके बताए कि लाइक ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, लाइक ट्रस्ट द डॉक्टर्स. कर लोगों में अब आई मीन जब से व्हाट्सएप आया है तब से तो ऐसी चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं. तो ये बताइए कि अभी मैसूर का क्या सिचुएशन है, कंट्रोल में है? मैसूर का आई कैन नॉट से कंट्रोल में है, लेकिन हाँ आई थिंक सो इंशाल्लाह इन फ्यूचर इन कमिंग डेज इट विल बी बेटर, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा. बिकॉज अभी रैपिड टेस्टिंग स्टार्ट हुई है, एक वीक हुआ है हमारा रैपिड टेस्टिंग करके. एक आइसोलेशन सेंटर तैयार है, वहां पे लोग बैठ रहे हैं. तो डेथ्स तो हो रही हैं बट इतनी ज्यादा भी नहीं हो रही है. कभी कभी 10-12 देख लेते हैं तो कभी 4-5 हो जाते हैं. तो इट्स अ ग्राफ व्हिच इज गोइंग अप एंड डाउन. तो थोड़ा वक्त लगेगा स्टेबलाइज होने में. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है सर कि स्टिग्मा को हटा के लोगों को आगे बढ़ के आगे दे हैव टू कंसिडर कि अगर उन्होंने कोविड टेस्ट करवाया, वो पॉजिटिव है, वो अपने घर में है या किसी आइसोलेशन सेंटर में या हॉस्पिटल में है, तो ये उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा फॉर द सोसाइटी. अगर ये खौफजदा हो के घर में रह के अपनी बीमारी छुपा के उसको फैला देंगे तो फिर ये खत्म नहीं होगा सिलसिला. इतना स्टिग्मा है, लोगों को डर है कि अगर हमारा टेस्ट आ गया गवर्नमेंट से आएंगे, घर सील डाउन कर देंगे, लोगों को पता चल जाएगा. आई मीन देयर इज मैसिव स्टिग्मा. तो एक बताइए फाइनल, इस वक्त लोगों को क्या करना चाहिए? बहुत जरूरी है क्योंकि इस वक्त इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोगों के सेंटर भी जा रहे हैं, आप जो वहां से कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं उनसे भी मिल रहे हैं, तो आपको पता होगा उनके दिल में क्या है जिनको पॉजिटिव हो जाता है और उनके रिश्तेदारों के दिल में क्या डर होता है, ये सबको देखते हुए इस वक्त सोसाइटी को क्या करना चाहिए? जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, थोड़ा सा उनमें स्ट्रेस है, थोड़ा सा मेंटली वो लाइक डिस्टर्ब्ड है, डरे हुए हैं एंड जब सेंटर आते हैं तो बहुत खौफजदा होते हैं. तो फिर लोगों से बात करके, एक से चार पेशेंट्स को देख के अपने नजदीक, उनमें भी लाइक हौसला बढ़ता है कि चलो ठीक है हम बाहर आ जाएंगे करके. 3-4 ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने कह दिया है कि लाइक नहीं हम ठीक हो गए, हम नॉर्मल हैं, हमें भेज दीजिए, हम जाके एहतियात बरत लेंगे. तो ये जो फियर साइकोसिस है इसको निकालना है. दूसरी चीज है जो स्टिग्मा है, लोग समझ रहे हैं कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, ये भी निकालना है. एंड एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अगर मैं कुछ देना चाहती हूँ एज अ डॉक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, ये है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट से आ रही है, जो भी इंस्ट्रक्शंस लाइक रिलेटेड टू कोविड आ रही है, एहतियात बरतने ये हमारे हाथ में है. आई थिंक कोविड का कंट्रोल हमारे हाथ में, इसीलिए गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि आप अपना एहतियात बरतें. हमने तो अब लाइक लॉकडाउन भी अब कितनी देर तक लॉकडाउन करेंगे. एहतियात सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर. मैं जैसे मैंने कहा कि बेसिक थिंग्स, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये दो चीजें अगर लोगों ने स्ट्रिक्टली फॉलो कर ली तो आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द लाइक बहुत जल्दी हम लोग लाइक वी कैन सी अ फ्लैटिंग ऑफ द कर्व. एंड ये जो भी डॉक्टर्स आ रहे हैं कोविड सेंटर में, लाइक जितने भी डॉक्टर्स हैं, तो माशाल्लाह दे हैव ऑल कम वॉलंटरीली, एक सर्विस के मोटो से आए हैं. कोई 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे, जैसे जैसे लाइक राउंड होते रहेंगे कंटिन्यूसली हम लोग कनेक्टेड होते हैं. एंड जो वहाँ पे स्टेशन नर्सेज हैं वो अलंसार हॉस्पिटल की तरफ से है इस पर्टिकुलर सेंटर पे, तो वो भी बहुत एक्सपीरियंस हैं, दे आर मैनेजिंग वेरी वेल. एंड जितने भी वॉलंटियर्स हैं दे आर ऑल्सो मैनेजिंग वेरी वेल. डॉक्टर्स हैं राउंड्स पे आते हैं, सुबह में डॉक्टर आते हैं, फिर दोपहर में मेरी ड्यूटी है, फिर 3 से 6 या 7 कभी 8 ऐसे जाती हूँ, फिर शाम में 2-3 डॉक्टर्स आते हैं. तो कंटिन्यूसली सब लोग एक फॉर्म की खिदमत माशरे की, आई कैन से बिकॉज वी आर जस्ट नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, जो भी आ रहा है पेशेंट हम उसको ले रहे हैं. तो एक माशरे की, एक सोसाइटी की खिदमत के लिए लोग आगे बढ़ के हैं. तो डॉक्टर्स की सर्विसेज को उनको लाइक यू नो दे शुड टेक इट, के डॉक्टर्स हैं, इतने सारे वॉलंटियर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, सब अपने घर से निकल के, एटलीस्ट डॉक्टर्स हम लोग पीपीई किट पहन के अंदर जाते हैं,
बाहर हवा में भी इतने सारे लोग आते हैं, एडमिशंस करवाते हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, सब अपनी अपनी लाइफ रिस्क करके ही तो आए हैं. तो इस चीज को वैल्यू करके, हमारे पे भरोसा करके लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए. मेरा एक मैसेज है, एज अ डॉक्टर, हम हैं आपकी हिफाजत के लिए, हम हैं आपकी खिदमत के लिए. आप हमारी हिफाजत कर सकते हैं अपने घरों में महफूज रहेंगे. बेवजह घर से निकलना, बेवजह लोगों से रابطہ रखना, थोड़े चंद हफ्तों के लिए अगर एहतियात बरत लें तो बहुत बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा. तो डॉक्टर सारा, बहुत बहुत शुक्रिया आपको जुड़ने के लिए और सारी बातें करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. जज़ाकअल्लाह. इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें.